नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। चलिए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए रुक करते हैं अब अपनी खबर की ओर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अगले साल तक 1.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विभागों को ऐसे पद भरने के लिए कहा है जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनके अलावा कई विभागों में नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 82,000 भर्तियों के लिए कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने हर साल 75,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा की थी। अब तक कुल 2,25,000 से ज़्यादा जॉब्स देने थे, लेकिन 1,19,559 पदों पर ही नौकरियां दी गई है। जानकारी के अनुसार सीएम गहलोत खुद भर्तियों की प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेंगे। हाल ही मोदी सरकार ने भी 1,00,000 नौकरियां देने की घोषणा की है। आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी के जरिए होगी भर्तियां। टीचर भर्ती के लिए 46,500 पोस्ट, बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में 9,862 पोस्ट, वीडियो भर्ती में 5,396 पोस्ट, फॉरेस्टर गार्ड भर्ती में 2,300 पोस्ट, स्कूल लेक्चर भर्ती में 6,000 पोस्ट, वही सीनियर टीचर भर्ती में 9,760 पोस्ट की भर्तियां निकाली जाएगी। राजस्थान समेत करीब 12 राज्यों में अगले साल तक विधानसभा चुनाव का दौर चलने वाला है। 2024 में लोकसभा में चुनाव होंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें युवाओं को इन भर्तियों के जरिए फील गुड करवाना चाहती है। बेरोजगारी दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर 2 करोड़ रोजगार देने की वादा खिलाफी के आरोप लगाती आई है। वहीं बीजेपी भी गहलोत सरकार पर बेरोजगार युवाओं के लिए बजट घोषणा व चुनावी वादे के मुताबिक भर्तियां निकालकर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाती रही।